वेलकम बैक बच्चों, मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एप्टो एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने IT टूल्स का सेकेंड चैप्टर, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो हमारे सेकेंड चैप्टर का जो स्टार्टिंग का जो पहला टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके साथ जो हमारे आगे वीडियोस हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से देखेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर देखिए कि जैसे हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों, इससे पहले आप ये इमेज देख रहे होंगे, और इस इमेज पे आप ये देख पा रहे होंगे कि कई सारे अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों? तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS बच्चों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में OS ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो एन OS इज द प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय द बूट प्रोग्राम मैनेज ऑल ऑफ द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर, ठीक है। कहने का मतलब कि जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, अगर आप सिंपली इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो जहां पर आपके पास क्या है कि ये आपका CPU हो गया, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया आपका CPU। तो ये मान लीजिए कि आपके पास आपका एक कंप्यूटर हो गया, राइट, और यहाँ पर आपका एक CPU लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपके स्विचेस लगे हुए हैं, वो स्विच जिसके थ्रू आज जिससे आपकी केबल आपके CPU में आई हुई है, और ये मान लीजिए कि ये आपके CPU का वो पावर बटन है, ठीक है ना। पावर बटन यानी कि जिसको प्रेस करके आप अपना कंप्यूटर ओपन करने वाले हैं। तो जैसे ही यहाँ से आप अपना पावर ऑन करेंगे, और उसके बाद यहाँ से कंप्यूटर को जो CPU का पावर बटन है उसको जैसे ही आप प्रेस करते हैं, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर कुछ लाइट सी आ जाती है और कुछ स्टार्ट होना चालू हो जाता है। तो बच्चों, एक्चुअली में ये क्या होता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की होता है। ओके, तो सबसे पहले कहने का मतलब, जब भी आप अपने कंप्यूटर को बूट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्या ऑन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर एंड यूजर प्रेफरेंसेस एंड इट्स इसेंशियल फॉर नो अबाउट द दीज ऑफ यू आर वर्किंग विद द, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कि जब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉरी, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरीके के बाकी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी इंस्टॉल करते हैं। और ये क्या होता है कि जब भी आप पावर बटन ऑन करते प्रेस करते हैं तो ये ऑन होता है, सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑन होता है। और बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटी है उसको मैनेज करेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों, जो हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कई सारे अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो आपके दिए गए हैं, ठीक है ना, जिनको आप वन बाय वन करके देख सकते हो। तो यहाँ पर है, देखो, सबसे पहला मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनको आगे चल करके हम लोग ब्रीफली भी समझेंगे, ब्रीफली भी जानेंगे कि क्या चीज कैसे होती है। ओके, एक सेकेंड, सॉरी, ओके। तो आपका है ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बच्चों, जहां पर कई सारे प्रोसेसर्स एक साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं, उसको हम लोग मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड है आपको बच्चों, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कई सारे प्रोग्राम्स के साथ यूटिलाइज होकर के वर्क करता है। थर्ड आपका आ जाता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये कई सारे सिस्टम के साथ बंटा हुआ होता है। इसके बाद आपका फोर्थ है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों, मल्टीटास्किंग आप जानते ही हैं कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर्स के साथ
टाइम शेयर कर लेते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये 7 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। इनमें से सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और कुछ इनके बेसिक्स और बताएंगे हम आपको आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि इसका नाम है बच्चों, हमें रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मल्टी प्रोसेसर, मल्टी मतलब कई सारे, प्रोसेसर का मतलब जो आपके सीपीयू होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर देखिए कि क्या है कि एक ये मेमोरी है, यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और ये कई सारे सीपीयू हैं, ठीक है ना, जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो कई कंप्यूटर्स ऐसे आते हैं, जैसे गेमिंग कंप्यूटर्स हैं, गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह हैं, तो उसमें कई सारे सीपीयू लगे होते हैं, राइट। इससे क्या होता है कि जब आपके कई सारे ऑपरेटिंग सीपीयू लगे होने से, और ऑपरेटिंग सिस्टम जब उनके साथ काम करता है, तो आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है ना, बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली फाउंड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम विद मोर देन वन सीपीयू। यानी कि इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर्स में पाए जाते हैं जिन कंप्यूटर्स में एक से ज्यादा सीपीयू का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आगे चलते बच्चों और देखते हैं आपका सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है बच्चों, मल्टी प्रोग्रामिंग। अभी तक क्या था आपका, जो था मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है ना, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस बार है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसके नाम से ही आप अगर आप निकालेंगे तो मल्टी प्लस प्रोग्रामिंग अगर आप कर देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि आपने कर दिया इधर मल्टी प्लस प्रोग्रामिंग, मल्टी को आप अलग कर दीजिए, ठीक है ना, ये मल्टी आपका अलग हो गया, सॉरी, और ये प्रोग्रामिंग अगर आपका अलग हो गया तो क्या हो गया, मल्टी प्लस प्रोग्रामिंग। यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई सारे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कई सारे आपके प्रोसेस कर सकते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि बच्चों ये डायग्राम है, डायग्राम में आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे मान लीजिए कि आपके रैम रोम वगैरह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए कि कई सारे प्रोसेस दे दिए, यानी कि कई सारे काम आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक करके आपने कई सारे दे दिए, ठीक है ना। अगर आप सभी को पता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बच्चों, वो सिक्वेंशियल काम करता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो पहले प्रोसेस दिया होगा वो सबसे पहले काम करेगा, फिर दूसरा जो दिया होगा वो दूसरे पे काम करेगा, तीसरा इस तरीके से, फिर चौथा, फिर पांचवा, और फिर छठा, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 1 बाय 1 करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके जो प्रोसेस है उनको वो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज क्या कहलाएगी, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि 1 कंप्लीट करके आप सीपीयू जो है प्रोसेस 2 इज एग्जीक्यूटिंग, यानी कि प्रोसेस 2 पे काम करेगा, फिर प्रोसेस 3 पे करेगा, फिर 4 पे करेगा, और इस तरीके से करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है प्रोसेस 3 4 5 एंड 6 वेटिंग फॉर, ठीक है ना, यहाँ पे सब साफ साफ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये आपका क्या कहलाएगा, आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो हम लोग चलते हैं और थर्ड क्या लिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड में मतलब क्या आता है, यहाँ पर आप अगर इसको निकालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बटा हुआ। आप सभी को पता है कि जब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बटा हुआ, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई सारी चीजों के लिए बटा हो। तो यहाँ पर अगर आप एक लाइन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है दैट डिजाइन फॉर ऑपरेट ऑन द नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर यूजुअली यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डेटा, ठीक है। अब इसका अगर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल मान लें कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए जैसे आपका प्रिंटर है, ठीक है ना। तो प्रिंटर क्या करता है कि अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब ये 4 कंप्यूटर क्या करते हैं कि अगर लेकिन आपके पास प्रिंटर सिर्फ एक ही है, ठीक है ना, अगर आपके पास सिर्फ प्रिंटर अगर एक ही है और आपके पास 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, आप इससे प्रिंट दे रहे हो तब भी आप इसका निकल के आ रहा है, इससे आप प्रिंट दे रहे हो, इससे भी आप प्रिंट दे रहे हो, और इससे भी आप प्रिंट दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपके प्रिंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो 4ों कंप्यूटर से क्या कर रहा है, शेयर हो रहा है, राइट।
तो यहाँ पर क्या है, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं बच्चों, वो चीजों को शेयर कर लेते हैं, रिसोर्सेस को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा बच्चों मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग, अब यहां पर देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सारी चीजें आपको क्लियर है। मल्टी प्लस टास्किंग, यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी टास्किंग, ठीक है ना। टास्क का मतलब क्या होता है, काम। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि अगर आपका एग्जाम्पल भी ले लेते हो, विंडोज 7 मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन इंडिया, राइट। तो आई थिंक कि आप सभी ने कभी ना कभी यूज किया होगा, कभी ना कभी देखा होगा। तो अब उसमें क्या है कि मान लीजिए कि जैसे आपने सॉन्ग प्ले कर दिए, तो आपका सॉन्ग प्ले हो रहा है, ठीक है, उसी के साथ आप कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो इधर फाइल भी डाउनलोड होने लगा, उसके बाद कुछ आप फाइल शेयर कर रहे हैं तो फाइल शेयरिंग भी हो रही, उसके साथ अगर आप गेम खेल रहे हैं तो गेम भी आपका प्ले हो जाएगा। तो ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो एक से ज्यादा काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी टास्किंग, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टी टास्किंग। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ क्या काम कर रहा है, देखो एंटीवायरस के लिए भी काम कर रहा है, सर्च ऑन वेब ब्राउजर, यानी कि अगर जैसे हमने एंटीवायरस सर्चिंग डाल दी तो वो बैकग्राउंड में सर्चिंग भी होती रहेगी, और वेब ब्राउजर पे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी ब्राउज होता रहेगा, और अगर हम लोग गाने भी सुन रहे हैं तो यहाँ पर गाने भी भेजते रहेंगे, ठीक ना। इसी के साथ अगर हमें कोई फाइल भेजनी है तो हम फाइल भी सेंड कर देंगे, तो फाइल भी जाती रहेगी। तो क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर कई सारे काम एक साथ होते चले जा रहे हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग, राइट। इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसके बाद बच्चों आ जाता है टाइम शेयरिंग, क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये देखिए डायग्राम दिया गया है, ये सीपीयू दे दिया गया है, ठीक है। अब एक ही सीपीयू पे मान लीजिए कि ये कोई वेबसाइट है या कोई आपका सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर पे अलग अलग लोग जो हैं डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग लोग इससे कनेक्टेड हुए हैं, कई सारे लोग कनेक्टेड हुए हैं और डेटा डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड अ शेयर्ड यूजर इंटरफेस विद मल्टीपल यूजर्स लॉग इन, ठीक है ना। जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट पर है, और उस वेबसाइट पर जाकर के आप क्या कर रहे हैं, डेटा डाउनलोड करना है, आपको कोई फाइल डाउनलोड करना है, तो जितने भी अलग अलग यूजर्स होंगे जब उनको डाउनलोड करेंगे तो ये क्या करेगा, उनको अलग अलग आपका जो है टाइम शेयर कर देगा, राइट। जिससे वो क्या कर सकते हैं कि सेम रिसोर्सेस को, वो सेम फाइल्स को, सेम एप्लीकेशंस को वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, टाइम शेयरिंग के बाद आपका आ जाता है क्लाइंट सर्वर। बच्चों हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बताया हुआ है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपको क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीटास्क, सॉरी क्लाइंट सर्वर आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर हेडिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, क्लाइंट सर्वर पड़ जाएगा। तो बच्चों क्लाइंट और सर्वर दो चीजें अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और क्लाइंट सर्वर होता क्या है, क्लाइंट का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग हैं जो हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं, और सर्वर का मतलब क्या है, एक ऐसी ऐसा प्लेस या एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर आपका बहुत सारा डेटा आपका स्टोर करके रखा गया है, और हम एज अ क्लाइंट उस जगह से डेटा को एक्सेस करते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं तो जैसे कि आप यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, और गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो वो क्या, गूगल क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा। जैसे यूट्यूब पे आपने कोई भी वीडियो सर्च की तो उससे जो सर्च होकर के आपको रिजल्ट मिले, तो ये क्या हो गया, आपका ये सर्वर हो गया, और आप जब जा करके सर्च कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि आपका सर्वर दिया गया है, और कई सारे अलग अलग डिवाइसेस जो हैं आपके उससे सर्वर से कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर देखिए दिया गया है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज नेटवर्क्स दैट कंटेन टू टाइप ऑफ नोड्स, ठीक है, दैट सर्व वर्क्स एंड क्लाइंट्स, यानी कि दो तरीके के नोड, नोड का मतलब एक ये वाला नोड और एक ये, ठीक है, दो तरीके के नोड आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक सर्वर और एक क्लाइंट, ओके।
क्लाइंट सर्वर मॉडल आपके वीडियोस में पड़ा हुआ है, आप बताएंगे तो मैं कमेंट भी कर दूंगा, ठीक है ना, उसका लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपका जो मल्टी क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहीं तक था, और इसी के साथ आपका टॉपिक ये भी फिनिश होता है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को समझ आया होगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका